वन स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 देखते हैं। ये था इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2.4 -3.-1, -1.0, 1.2 एंड -3.-5 लाई। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टिजन प्लेन। ओके, तो हमने बात करी थी कि क्वाड्रेंट, हमने चार क्वाड्रेंट की बात करी थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसकी बात हमने करी थी। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इसकी हमने बात करी थी। और हमने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलते हैं, प्लस कॉमा प्लस तरह के, ठीक है, दोनों के साइन प्लस होते हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने कहा था माइनस कॉमा प्लस में मिलते हैं, थर्ड में हमको माइनस कॉमा माइनस मिलता है और फोर्थ में हमको प्लस कॉमा माइनस मिलते हैं। तो आपने बस इसी के हिसाब से इसको दिखाना है, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, यानी कि यहाँ होगा क्या आपका, ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, देन प्लस कॉमा माइनस, यानी कि ये होगा आपका यहाँ, -1.0, -1.0। अब देखिए क्वाड्रेंट तो बनते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट आपका सिर्फ एक्सिस में ही लाई करता है। इसने कहा ना और ऑन विच एक्सिस, हो सकता है वो क्वाड्रेंट में ना लाई करके कहाँ लाई करे, एक्सिस पे, क्योंकि हमने ये बात करी थी कि ये तो क्वाड्रेंट है, ठीक है, हो सकता है पॉइंट इसमें ना हो कि उन लाइंस में ही हो। ठीक है, तो हम देख सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट जीरो मिल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो मतलब आपका मतलब क्या है कि आपका जो पॉइंट होगा वो किस में होगा, इस एक्स एक्सिस में होगा। ठीक है, तो ये जो -1.0 है ये किस में होगा, एक्स एक्सिस में ही होगा, -1.0। 1.2 यानी कि दोनों के प्लस साइन, 1.2 एंड -3.-5 माइनस माइनस, इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। बट क्वेश्चन यहाँ पर को ख़त्म नहीं होता, इसने कहा कि इनको क्या करो, प्लॉट भी करो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर को मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कार्टेशियन प्लेन बना रखा है। ठीक है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, ठीक है, इसी को हम क्या भी कहते हैं अपना कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि रेने डेस्कार्टेस के नाम पे था तो कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं। अब हमको लोकेट करें तो 1.2 यानी कि 1 किस में, एक्स एक्सिस में, और 2 किस में, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो यानी कि कुछ यहाँ पर कोई पॉइंट रहेगा, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लोकेट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, 1.2 होगा, देन 3.-1 यानी कि पॉजिटिव में आप 3 आए, ठीक है, और नेगेटिव में कितना, 1। ठीक है, आप इस तरह से इसको दिखा भी सकते हैं अगर आप दिखाना चाहें, अदरवाइज नॉट बिग सो बिग डील। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3.-1, देन -1.0 यानी कि -1.0, एक्स में माइनस आया और जीरो यानी कि अब ऊपर ना नीचे कहीं नहीं जा सकता वाई में, तो यहीं पर को रहेगा ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -1.0। उसके बाद 1.2, 1 यहाँ पर आया, ठीक है, ओके 1.2 वी हैव डन ना, ओके देन व्हाट इज लेफ्ट, 3.-1, -1.-2.4, -2.4 मतलब यहाँ पर -2 आया, पॉजिटिव में चलेगा अब, तो यानी कि 4 कुछ आपका यहाँ पर को रहेगा, अप्रोक्सीमेशन के साथ चलें तो कुछ यहाँ पर रहेगा -2.4। ऐसे -3.-5 यानी कि पॉजिटिव में माइनस, नेगेटिव में -3 और नीचे भी क्या, नेगेटिव में -5, तो कुछ कुछ आपका ये अप्रोक्स यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, -3.-5, आप चाहें तो ऐसे करके दिखाएं, अदरवाइज नॉट प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो इस तरह से हम इनको लोकेट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये कहता है प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस में आप
अपने हिसाब से चूज़ कर लो, कहता है यूनिट्स को आप कैसे लोकेट करना चाहें और उसको आप क्या करना है प्लॉट करिए। ठीक है, तो प्लॉट करने के लिए पहले तो हम एक लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक एक्स वाई एक्सिस या कहें कार्टिजियन प्लेन क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आप ये सभी काम ग्राफ पेपर में करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ठीक है, अब एक एक सेंटीमीटर का तो पहले हम इसमें दिखा लेते हैं। ठीक है, तो ये 1, 2 मैक्सिमम देखें, वाई में 8 जा रहा है और एक्स एक्स में तो ज़्यादा जा नहीं रहा है, 3 से आगे, तो इसको ज़्यादा नहीं ले जाते हैं, 1, 2 और 3 यहाँ ज़्यादा जाने वाला है, ऊपर तो 8 तक जा रहा है, तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो हमको यहाँ पर इसको बनाने में। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहीं पर को आएगा, इसको समझ थोड़ा सा देख लेंगे एक बार, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, नेगेटिव में तो ज़्यादा नहीं जाना है इसने। पहले हमने ये रिकॉग्नाइज किया नहीं कि ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कॉपी में, आप लोग ग्राफ में बैंग रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 -1, -2, -3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 -1, -2 और -3। ये थोड़ा नीचे को बनता तो सही बनना था इसने ना। -2,8 यानी कि नेगेटिव में -2 आए और पॉजिटिव में 8 चले गए, तो आप कुछ यहाँ पर पहुँचेंगे, -2,8 ना। -1,7 -1 आप यहाँ पर आए और पॉजिटिव में 7 जा रहे हैं, तो आप कुछ यहाँ पर को रहेंगे कहीं, अप्रोक्सीमेशन -1,7 ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, -1,7। ठीक है, -1,7 है। ठीक है, यहाँ पर देखने में थोड़ा सा दिक्कत है, -1,7। 0, -1, -1.25, 0 तो पॉजिटिव, चलो यहाँ पर हो गया, -1.25 तो यानी कि नीचे को आएगा। अब हम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते यहाँ पर अभी फ़िलहाल, तो -1.25 अप्रोक्स यहाँ पर रहेगा, माइनस तो 0, -1.25 देन 1,3 यानी कि पॉजिटिव में 1 आए और वाई के पॉजिटिव में कितना जाओगे, 3 जाओगे, तो करीब करीब यहाँ पर पहुँच जाओगे, 1,3 देन 3,-1 यानी कि पॉजिटिव में 3 आए, वाई में चलेंगे तो -1 यानी कि यहाँ 3,-1। याद रखना पहले हम एक्स एक्सिस में जाएंगे और फिर वाई एक्सिस में, और जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे अगर ऐसे दिए हुए हैं यानी कि पहला एक्स है दूसरा वाई है, और ऐसे दिए हैं तो फिर तो टेबल में आपको पता ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी आपका फिनिश होता है। ओके।